हेलो चिल्ड्रेन, आई एम विनोद सर फ्रॉम एस एम पब्लिक स्कूल फिरोजपुर शंभुगंज जौनपुर। तो बच्चों, आज हम क्लास 11 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत वेन डायग्राम वेन आरेख बताएंगे। समुच्चयों के बीच हम संबंधों को स्थापित करेंगे। समुच्चयों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए जॉन वेन ने चित्रों का प्रयोग किया, उन्हीं के नाम पर इसे वेन डायग्राम रखा गया है। यहाँ पर करते क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है सार्वत्रिक समुच्चय, उसको हम आयत चित्र के अंतर्गत व्यक्त करते हैं और उसके उप समुच्चयों को हम वृत्तों के अंतर्गत, सर्किल के अंतर्गत रखते हैं, बंद वृत्त के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक समुच्चय है जिसे यूनिवर्सल सेट माना गया है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 10। और एक समुच्चय है ए, इसके अवयव है 2, 3, 4 अब इसे अगर हम वेन डायग्राम में व्यक्त करें तो यूनिवर्सल को हमने कहा कि आयत के अंतर्गत लिखते हैं, एक आयत बना लेते हैं और यहां ये यूनिवर्सल हो जाता है। अब इसमें हम ये सारे आयत लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। और जो इसके समुच्चय है और इसके अंतर्गत जैसे ए है, इसे वृत्त के अंतर्गत लिख देंगे, ए हो जाएगा। अब समुच्चय ए हो गया ये, अब इसके अवयवों को वृत्त के अंतर्गत रख देंगे, 2, 3, 4, 2, 3, 4 और बाकी जो बचे यूनिवर्सल के वो सब बाहर हो जाएंगे, 1, 5, 6, 7, 8, 9। ये तरीका है व्यक्त करने का, इसी को हम कहते हैं वेन डायग्राम। समुच्चयों के बीच संबंधों को या समुच्चयों को चित्रों द्वारा निरूपित करना ही वेन आरेख या वेन डायग्राम कहलाता है। जॉन वेन के नाम पर इसका नाम वेन आरेख रखा गया है। इसमें किया क्या जाता है, समुच्चयों को, समुच्चय जो सार्वत्रिक समुच्चय होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं, उसको आयत के अंतर्गत रख देते हैं और बाकी उसके जो समुच्चय होते हैं उसको वृत्त के अंतर्गत रख देते हैं। अब जैसे और भी समुच्चय हो गए, जैसे बी हो जाए, समुच्चय बी के अवयव हो गए 6, 7, 8। तो अब यहां पर जो इसका फिगर बन जाएगा 6, 7, 8 और बी में रख देंगे। एक समुच्चय बी लिख लेंगे, इसमें रख देंगे 6, 7, 8 और जो बच गया वो बाहर हो जाएगा यूनिवर्सल का, 9 और 10। तो ये हो गया, देखिए यूनिवर्सल में सभी आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप इसमें समुच्चय ए में 3, 2, 3, 4 और बी में 6, 7, 8। अगर ये स्थिति है तब हम ये कहते हैं कि अगर समुच्चय ए और बी का कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं है तो उसे हम कहेंगे विसंगत या डिसजॉइंट, तब दोनों वृत्त एक दूसरे के अलग अलग रहेंगे। अगर इसका कोई अवयव मिल रहा है, जैसे एक समुच्चय हो गया सी, अब सी के जो अवयव हैं वो हो जाए 1, 2, 6, 1, 2, 5 हो गया, तो 1, 2, 5 सी के अंतर्गत रहेगा, तब ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे, सी वाला और ए वाला। अब जो ये दोनों का उभयनिष्ठ पोर्शन है, इसमें जो होगा वो इंटरसेक्शन को भी निरूपित करेगा। ये जो एरिया है इसमें अवयव दो हैं, इंटरसेक्शन को करेगा और पूरा ये लेंगे तो यूनियन को करेगा, और पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी तो पूरा यू हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है, दो स्थिति हो गई। तीसरी स्थिति ये हो गई कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो जाए, जैसे 2, 3, 4 है और ये हो जाए 1, 2, 3, 4, 5। देखो बेटा, एक स्थिति ये भी बनती है वेन डायग्राम में, एक समुच्चय यूनिवर्सल का है 1 से 10 तक, एक समुच्चय ए है 2, 3, 4 और समुच्चय बी है 1, 2, 3, 4, 5। अब जाहिर सी बात है समुच्चय ए के सभी अवयव बी में है तो हम कहेंगे कि यही सबसे का बी, अगर यही सबसे का बी है तब देखिए इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। अब ये यूनिवर्सल हो गया, समुच्चय ए हो गया जिसके अवयव है, समुच्चय ए हो गया जिसके अवयव है 2, 3, 4। अब समुच्चय बी है
जिसके अवयव एक दो तीन चार, मतलब ये सभी दो तीन चार तो है ही है, इसके अलावा इसमें वन भी है और फाइव भी है, ये हो गया ये संकेंद्री वित्त बन जाते हैं। अगर संकेंद्री वित्त है तो निश्चित रूप से हम इसे कहेंगे ये इस सबसेट ऑफ बी, और इस तरह से तीन स्थितियां हो गई। अगर दो समुच्चय दिए हैं आयत के अंतर्गत, दो की भी बात करें, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो अब यहां देखिए अगर दो समुच्चय दिए हैं तो या तो दोनों अलग अलग होंगे तब जब डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट या विसंगत कहलाएंगे, जब उसके कोई भी अवयव सर्वनिष्ठ नहीं रहे तब। देखिए जैसे ये यू हो गया, ये हो गया समुच्चय ए और ये हो गया समुच्चय बी, अब ये डिसजॉइंट है विसंगत, और ये हो जाएगा यहाँ ए सबसेट ऑफ बी, ये संकेतित वित्त बन जाएगा। और एक बनता है कि स्थिति और बनती है कि कुछ अवयव जो है सर्वनिष्ठ न है, सभी नहीं रहे, ये यू हो गया तो उसमें क्या होगा, ए और बी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो प्रतिच्छेद करेंगे तो जो अवयव दोनों के होंगे वो इस प्रतिच्छेद के क्षेत्र के अंतर्गत होंगे, इस उभयनिष्ठ क्षेत्र के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो इस तरह से तीन स्थितियां बनी, एक डिसजॉइंट की बनी, संकेंद्री वित्त की बनी और प्रतिच्छेदी। किस तरह से हम वेन आरेख को, वेन आरेख के द्वारा हम समुच्चयों को दर्शाते हैं, तो समुच्चयों को वेन आरेख के द्वारा इसी तरह से दर्शाया जाता है। अब इसकी डिफिनेशन आप लिख लें, वेन डायग्राम डिफिनेशन लिख लीजिए, समुच्चयों के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित करना वेन आरेख कहलाता है, वेन डायग्राम कहलाता है। इसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत तथा उसके समुच्चयों को वृत्तों द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे एक यूनिवर्सल सेट है ए ई आई ओ यू, अब उसका समुच्चय जो है ए ई है, इसको दिखाने का तरीका है आयत के अंदर यू लिख देंगे, और जो समुच्चय ए है ए का जितना है इसके वृत्त के अंदर लिख देंगे, शेष जो बचेगा वो बाहर रह देंगे। अगर बी समुच्चय भी है सी भी है तो उसको भी ऐसे ही हम लिख देते हैं, जो समुच्चय सर्वनिष्ठ होते हैं उनको हम वृत्त प्रतिच्छेद करा देंगे, प्रतिच्छेद के अंतर्गत लिख देते हैं। यह है आपका वेन डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं, आज हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, समुच्चयों पर संक्रियाएं, समुच्चयों पर संक्रियाओं का अध्ययन हम करेंगे। ये आगे हम बताएंगे आपको समुच्चयों पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जैसे संख्याओं पर संक्रियाएं आप समझते हैं कि दो संख्याएं हैं पांच और सात, पांच और सात अगर इस पर संक्रिया करते हैं तो पांच धन सात करते हैं तो बराबर बारह, एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, पांच गुणे सात करेंगे तो पैंतीस एक नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम समुच्चयों पर भी संक्रियाएं करेंगे तो हमको एक नया समुच्चय प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से समुच्चयों पर जो संक्रिया है वो निम्न है, पहला है समुच्चयों का सम्मिलन जिसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, दो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव सम्मिलित हैं जो या तो ए में है या बी में है, इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं से यूनियन बोलते हैं, ए यूनियन बी, इसकी एक नियम विधि से परिभाषा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ए यूनियन बी ऐसा समुच्चय है जिसमें एक्स या तो ए में है या फिर बी में है, या तो ए में है या बी में है, इसे सांकेतिक रूप से लिखते हैं, ये भी डिफिनेशन है, ये भी डिफिनेशन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब जैसे देखिए एक समुच्चय है जिसके अवयव है ए बी सी, दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं सी डी ई एफ। अब अगर हम ए यूनियन बी लिखें, ए यूनियन बी में वे सभी अवयव होंगे जो या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे। अब यहां पर देखिए ए के अवयव कौन कौन है, ए बी सी, और अब बी के अवयव लिखेंगे सी, चूंकि एक बार सी लिख दिए हैं तो दो बार नहीं होगा, हमने बताया था कि एक ही अवयव एक समुच्चय में दो बार नहीं होता है, उसकी काउंटिंग एक ही बार होगी, तो सी ऑलरेडी यहां हाई है तो सी लिखा ही है डी ई एफ। अब ये जो एक नया समुच्चय कॉन्सेप्ट हुआ, अब ये क्या है, ए यूनियन बी है, ए और बी का सम्मिलन जिसे हम ए यूनियन बी बोलते हैं,
ए यूनियन बी में कौन कौन आ गया होंगे, जो ए में भी होंगे और ए के होंगे या बी के होंगे, मतलब सभी ए और बी के सभी अवयव होंगे, केवल वही अवयव जो दोनों में होंगे वो केवल एक बार लिखे जाएंगे, क्योंकि दो बार लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। इस तरह से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो इस तरह से हम ए यूनियन बी लिख सकते हैं। जैसे एक समुच्चय है ए, इसमें दिया है कि एक्स इज दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या जो जहां एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स एक समुच्चय हो गया। अब देख लो यहां एक्स इज लेस देन इक्वल टू सिक्स यानी एक्स को जो है वो छह से छोटा है या बराबर है, इसका मतलब छह से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें ले ली जाएंगी छह तक। अगर ए लेस द इक्वल टू ना लिखे तो इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, तब केवल इसमें हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच, और अगर यहां लेस देन इक्वल टू लिख दिए तब हो जाएगा एक्स का मान सिक्स तक होगा, वन से सिक्स तक। इसका फंडा समझिए, आगे समझा जाएगा। और एक समुच्चय बी हो गया जिसके अवयव है एक्स इज दैट एक्स एक सम संख्या जो क्या हो जाएगी एक्स इज लेस देन, जहां एक्स इज लेस देन टेन यानी दस से छोटी सम संख्याएं। तो दस से छोटी सम संख्याओं में कौन कौन हो जाएंगे, दो चार छह आठ। अब इसका ए यूनियन बी बनाइए, तो ए यूनियन बी जो होगा उसमें कौन कौन अवयव हो जाएंगे, उसमें हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हो गया। अब इसके सभी अवयव हो गए, अब इसमें कौन कौन होंगे, दो चार छह आठ, तो दो चार छह ऑलरेडी है ही है, आठ इसमें और लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो होगा आठ तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ऋण अवयव सात का समुच्चय, तो ये हो गया ए यूनियन बी। इस तरह से अगर नियम विधि से लिखा है तब नियम लिख सकते हैं, और सीधे सीधे लिखा है रोस्टर विधि से तो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका समुच्चयों का सम्मिलन। अब इसके सम्मिलन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप देख लें, तो आप ये देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियंस, सम्मिलन संक्रिया के कुछ गुणधर्म आप देखिए। पहला गुणधर्म हम लेते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्या सम्मिलन संक्रिया क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है, तो इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए फिर देख लेना। ए इज इक्वल टू वन टू थ्री लें, बी इज इक्वल टू फोर फाइव, ए यूनियन बी अगर हम लेते हैं, ए यूनियन बी का जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया ए यूनियन बी। अब चलो बेटा हम देखो बी यूनियन ए लेते हैं, तो बी यूनियन ए क्या बन जाएगा, फोर फाइव वन टू थ्री। हमने बताया था कि क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का कोई महत्व नहीं है, आप चाहे वन टू थ्री फोर फाइव कहें, चाहे फोर थ्री टू वन फाइव कहें, चाहे वन टू थ्री फोर फाइव कहें, बात एक ही है। अतः हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, अर्थात सम्मिलन संक्रिया क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये क्रम विनिमेय नियम का पालन करती है। इसी प्रकार से हम देखिए अब अगर हम एक और समुच्चय ले लें ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखें क्या यह साचर नियम का भी पालन करती है। एक समुच्चय हमने ले लिया सी, सी इज इक्वल टू हो गया फोर फाइव सिक्स सेवन। अब आप देखिए यहां ए यूनियन बी की याद करिए,
ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का यूनियन सी से ज्ञात करेंगे, ए यूनियन बी का सी से यूनियन, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसके सभी अवयव होंगे ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो यहां एक्स जो होगा वो ए यूनियन बी का होगा या फिर सी का होगा, तब इसमें हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करते हैं बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी लिखेंगे तो बी यूनियन सी हो जाएगा 4, 5, 6, इसके अवयव हो जाएंगे 4, 5, 6। अब ए का हम बी यूनियन सी से यूनियन ज्ञात करेंगे, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, तो इसमें जो है कौन कौन अवयव होंगे, ए के सभी अवयव होंगे और बी यूनियन सी के होंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ए के हो गए और 4, 5, 6 बी यूनियन सी के हो गए, 4, 5, 6। तो इसका मतलब हो गया जो अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भी हैं वही अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मान वही है जो ए यूनियन बी यूनियन सी का है, अतः हम कह सकते हैं दूसरे नियम में कि यह संक्रिया शासन नियम का पालन भी करती है, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी यह शासन नियम का भी पालन करता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा है तत्समक अवयव, फाइ जो है यूनिवर्सल का तत्समक अवयव है फाइ, क्योंकि फाइ का किसी के भी साथ यूनियन, जैसे ए यूनियन फाइ ए होगा, फाइ अर्थात रिक्त समुच्चय, जैसे समुच्चय ए है इसमें कितने अवयव हैं 2, 1, 2 और एक समुच्चय है फाइ जिसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, अर्थात इसमें कोई अवयव नहीं है, तो इसका जब हम करेंगे ए यूनियन फाइ, ए यूनियन फाइ के जो अवयव होंगे वो फाइ के होंगे और ए के होंगे, तो ए का अवयव है 1, 2 और फाइ का कोई अवयव नहीं है तो 1, 2 और ये इज इक्वल टू हो गया ए, अर्थात ए का किसी भी फाइ का किसी से भी सम्मिलन करेंगे तो वही समुच्चय आएगा, ए का ए यूनियन फाइ ए, बी यूनियन फाइ बी, सी यूनियन फाइ सी, तो इसीलिए हम फाइ को यूनियन का तत्समक अवयव कहते हैं, फाइ को यूनियन का तत्समक अवयव कहते हैं, ए यूनियन फाइ इज इक्वल टू ए, ए यूनियन फाइ इज इक्वल टू ए, यानी फाइ, अतः फाइ यूनियन का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है फाइ ए का, फाइ यूनियन का सम्मिलन का, यूनियन अर्थात सम्मिलन का तत्समक अवयव, फाइ को सम्मिलन का तत्समक अवयव भी कहते हैं। एक और है वर्कसम नियम जिसे कहते हैं, वर्कसम नियम किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से जो सम्मिलन होता है वो वही समुच्चय आता है, इसे हम कहते हैं वर्कसम नियम, वर्कसम नियम किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से जो सम्मिलन होता है वही समुच्चय आता है, वर्कसम नियम, यानी ए यूनियन ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसका एग्जांपल से समझ लो, जैसे एक समुच्चय है ए, इसके अवयव हैं ए बी सी, अब हम अगर ए का ऐसे ही यूनियन करेंगे ए यूनियन ए, तो यक्ष जो है वो ए का होगा या ए का होगा, अर्थात वही होंगे ए बी सी ही होंगे, अर्थात ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। और एक नियम और है बेटा इसमें यू का नियम, यू का नियम यानी यूनिवर्सल का नियम है,
यूनिवर्सल का किसी भी उसके समुच्चय का जो यूनियन होता है वो यू ही होता है, अर्थात इसे हम यू का नियम बोलते हैं, अर्थात यू यूनिवर्सल ए इज इक्वल टू यू, यू यूनिवर्सल ए इज इक्वल टू यू। तो ये नियम हो गया आपका इतना, यानी ये सम्मिलन जो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन लिख सकते हैं, क्रम विनिमेय नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, अर्थात ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये साहचर्य नियम का पालन करता है, और फाइव को हम यूनियन का तत्समक अवयव कहते हैं, किसी समुच्चय का उसी समुच्चय से जो यूनियन होगा तो वही समुच्चय होगा, यूनिवर्सल का किसी भी उसके उप समुच्चय का जो यूनियन होगा वो यूनिवर्सल ही होगा। अब इसके बाद देख लीजिए, अगर एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो ए यूनियन बी जो होगा, देख लो बेटा, ए यूनियन बी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात ये ए ही हुआ। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा कब, जब बी इज, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर बी ए का उपसमुच्चय है तो ए यूनियन बी का जो समुच्चय होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए जब बी इज सबसेट ऑफ ए, ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। अब चलते हैं हम एक इंटरसेक्शन में, एक दूसरा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, समुच्चयों का प्रतिच्छेद जिसे बोलते हैं, समुच्चयों का प्रतिच्छेद दूसरा ऑपरेशन है। हाँ तो बच्चों यह परिभाषा आप देख लीजिए, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या समुच्चयों का प्रतिच्छेद जिसे बोलते हैं, समुच्चयों का प्रतिच्छेद या समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, जिसे अंग्रेजी में इंटरसेक्शन सेट्स बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो समुच्चय अगर हैं, दो समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में है, जो ए और बी दोनों में हो। अब यही समझ लो, यूनियन में या था ए का होगा या बी का होगा, अर्थात ए के सभी और बी के सभी, और यहां है कि वो जो अवयव होंगे सर्वनिष्ठ में, दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में जो अवयव होंगे वो ए के होंगे और बी के, ए और बी दोनों में होंगे, ऐसे होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, अर्थात दोनों के कॉमन अवयव सर्वनिष्ठ अवयव होंगे, वही उसके अवयव होंगे। यही या और में अंतर समझ लीजिए, या कह देंगे तो यूनियन हो जाएगा, और कह देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी सर्वनिष्ठ हो जाएगा। इसे इंटरसेक्शन के प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं, इसे इस तरह से उल्टा यू लिख देंगे इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन की प्रतीकात्मक रूप से इसकी परिभाषा देखो, दूसरी परिभाषा लिख रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए का अवयव होगा और एक्स बी का अवयव होगा, यानी एक्स जो होगा वो ए का भी अवयव होगा और बी का भी अवयव होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हम ए है समुच्चय ए बराबर ए ई आई, समुच्चय बी बराबर है ई आई ओ यू, दो समुच्चय है। अब इसका इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या,
x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, a भैया a का है और b का नहीं है, तो ये नहीं होगा। e a का भी है और b का भी है, a का है और b का है, ये e हो जाएगा। i a का है और i b का भी है, ये भी हो जाएगा। o b का है बट a का नहीं है, u a का है और a का नहीं है, तो a का और b का दोनों का होना चाहिए। a इंटरसेक्शन b इक्वल टू e i, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। अब अगर हम इसे बेन आरेख से प्रदर्शित करें तो बेन आरेख से ये तो u हो जाएगा, इसका जो u बनेगा a e i o u, a e i o u बनेगा। अब इसमें a के अवयव हम ले लेते हैं, समुच्चय a के अवयव है कौन कौन भैया, a e i, a e i। अब b के देखिए, b के कौन कौन अवयव हैं, b के अवयव हो जाएंगे e i o u। अब यहां e i जो है ये समुच्चय b का भी अवयव है और e i जो है समुच्चय a का भी अवयव है, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु कहीं गए इसको छायांकित हम कर दें अगर, तो छायांकित भाग a इंटरसेक्शन b को प्रदर्शित करेगा, यानी जो ये छायांकित भाग है ये a इंटरसेक्शन को छायांकित भाग, छायांकित साइड एड कर दें, छायांकित भाग भाग a इंटरसेक्शन b को प्रकट करता है, ये हो गया a इंटरसेक्शन b। अब एक दूसरा देख लीजिए, अब अगर ये हो गया a e i और b बराबर हो गया p q r, p q r, अब a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में देखो कोई अवयव नहीं है, तो ये हो जाएगा फाइव, या तो फाइव लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए नल सेट, रिक्त समुच्चय, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखे क्योंकि कोई भी a a का है और b का नहीं है, e a का है b का नहीं है, i a का है b का नहीं है, अर्थात कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है इसमें, तो इसको a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाइव लिखे। अब इसको अगर वेन आरेख से दिखाएंगे तो इसकी यह स्थिति बनेगी, डिसज्वाइंट हो जाएगा, विसंगी, u हो गया, u में a e i o u, a e i और p q r होंगे, समुच्चय a में अवयव हो गए a e i और समुच्चय b में अवयव हो गया p q और r, p q और r, अर्थात कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है, विसंगी हो गया, डिसज्वाइंट, अर्थात a इंटरसेक्शन b इसमें फाइव है। तो इस तरह से हम वेन आरेख से भी दिखा सकते हैं, और इससे अगर यूनियन दिखाना होगा तो पूरा छायांकित कर देंगे, तब पूरा ए यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन भी पूरा छायांकित कर देंगे, पूरा ए यूनियन भी हो जाएगा, तो ए यूनियन बी का भी आप दिखा सकते हैं वेन आरेख से, और इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन इतना ही होगा और ए यूनियन बी करेंगे तो पूरा हो जाएगा। यह हो गया आपका, इसकी नोट कर लीजिए, यह हो गया आपका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का प्रतिच्छेद, इंटरसेक्शन आप सेट बोलते हैं, इसी तरह से आपको समुच्चय दिए होंगे और आपको उनका ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना होगा, इसमें खाली आप यही देखेंगे जो ए और बी दोनों के होंगे वही दिए जाएंगे, केवल ए के नहीं केवल बी के, प्रतीकात्मक रूप से भी इसकी परिभाषा याद कर ले बदले और ऐसे भी, और इसको जो है वेन डायग्राम से भी दिखाना आप सीखे। अब है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ भी क्या एक क्रमविनिमेय नियम का पालन करता है, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का कुछ गुणधर्म देख लो, एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं ए बी सी, और दूसरा समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं बी सी डी। अब यहां पर देखिए आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा बी और सी दोनों में है,
बी सी, बी इंटरसेक्शन ए अगर आप याद करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, तो यहां भी देखिए बी इंटरसेक्शन है बी के वे वाला जो ए में बी हो, तो वो क्या हो गए बीसी ही हुआ। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो समुच्चयों का सरलिष्ठ गुणधर्म है, समुच्चयों का जो प्रतिच्छेद है वो क्रम बिन्वे नियम का पालन करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आप क्लास में आएंगे इसे लॉजिक द्वारा भी तर्क सिद्ध किया जाएगा। और देखिए क्या यह साहचर्य नियम का भी पालन करता है। अब एक तीसरा समुच्चय ले लें हम, सी, जिसके अवयव हैं सी डी और ई। अब ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर था अभी बी सी, ए इंटरसेक्शन बी के अवयव हैं बी सी। अब ए इंटरसेक्शन बी का सी से इंटरसेक्शन ज्ञात करें, ए इंटरसेक्शन बी का वह अवयव जो सी में भी है तो वो क्या है, वो है बी तो है इसमें, इसमें नहीं है सी है, सी है, तो ये हो जाएगा आपका सी। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू सी। अब हम याद करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी अगर हम याद करें तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू हो जाएगा बी और डी के अवयव सी और डी है सी डी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी डी। अब ए का हम इंटरसेक्शन याद करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, ए का प्रतिच्छेद बी इंटरसेक्शन सी से, तो ए के वे अवयव जो बी इंटरसेक्शन सी में है तो केवल सी ही एक ऐसा है जो बी इंटरसेक्शन सी में है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा सी। अर्थात ये संबंध हम देखें, ये भी सी है और ये भी सी है, अतः हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अर्थात ये साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं, ये साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। और एक तीसरा नियम है वाई इंटरसेक्शन ए, वाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाइव, यानी रिक्त समुच्चय का किसी भी समुच्चय से जो सरलिष्ठ होगा वो फाइव होगा, क्योंकि ये हो गया आपका फाइव और ये हो गया समुच्चय ए बराबर बी सी डी कुछ भी मान ले, इसका इंटरसेक्शन इसमें तो कोई अवयव नहीं है किससे सरलिष्ठ होगा, इसलिए फाइव इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव। और एक और है बेटा यू का नियम जो है, यू इंटरसेक्शन ए चौथा, यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये यू है आपका ए ई आई ओ यू, ये है यूनिवर्सल सेट समझ लो, और इसका एक समुच्चय ए हम ले लेते हैं इसमें है ई आई ओ। अब देखिए अब इसका जब हम यू इंटरसेक्शन ए करेंगे, यू इंटरसेक्शन सेक्शन ए करेंगे तो इसमें ई आई ओ ही है दोनों में है, तो ई आई ओ अर्थात ये बराबर हो गया यू ए के, तो इसका मतलब हो गया कि यू का इंटरसेक्शन ए जो होगा वो ए ही होगा, ये प्रॉपर्टीज है इस पर।
इसी तरह से वितरण नियम भी है, जो इंटरसेक्शन की संक्रिया है वो सम्मिलन पर वितरित है। इंटरसेक्शन की जो संक्रिया है वो सम्मिलन पर वितरित है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें इंटरसेक्शन संख्या वितरित हो जाएगी। ये बराबर हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अर्थात इंटरसेक्शन यूनियन पर वितरित है, अर्थात इंटरसेक्शन संक्रिया यूनियन पर वितरित है। अब आप एबीसी तीन समुच्चय लेके इस बात को प्रूव कर सकते हैं, आप बी यूनियन सी ज्ञात करके और उसका ए से इंटरसेक्शन ज्ञात कर लो, फिर आप ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लो, ए इंटरसेक्शन सी ज्ञात कर लो, फिर उसका यूनियन ज्ञात कर लो, देखो इक्वल आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद बेटा एक तीसरी संक्रिया है, समुच्चयों का अंतर। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में एक संक्रिया है समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों ए और बी का अंतर उन समुच्चयों का अंतर है जो ए में है किंतु बी में नहीं है। इसको हम ऐसे प्रतीकात्मक रूप से इसकी परिभाषा लिखते हैं, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब एक्स ए का अवयव है किंतु बी का नहीं, ए माइनस बी में वही अवयव होंगे जो ए के होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे। और अगर ए बी माइनस ए कहे तब कहेंगे कि x is that x belongs to b और x not belongs to a, तब ऐसा हम कहेंगे a minus b के लिए। तो ये हो गया आपका। अब जैसे देखिए एक समुच्चय है, इसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक समुच्चय है b जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 जिसके अवयव हैं 1, 2, 3। अब a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, a के वे अवयव जो b में नहीं है, a के वो अवयव जो b में नहीं है, अर्थात यह हो जाएगा 4, 5। क्या हो जाएगा 4, 5, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। और अगर ऐसा है, जैसे मान लो कि a में b में और अवयव है 1, 2, 3, 6, 7, 8, ए माइनस बी हो गया ए के वे अवयव जो बी में नहीं है तो केवल 4, 5 है। अब अगर हम बी माइनस ए ज्ञात करें, ए माइनस बी करेंगे तो ए के ही वे अवयव लोग लेंगे जो बी में नहीं है, ऐसा नहीं बी के जो अवयव ए में नहीं वो भी लिए जाएंगे। जब बी माइनस ए करेंगे तब बी के वे अवयव जो ए में नहीं है, अर्थात वो हो जाएगा 6, 7, 8, ये हो गया बी माइनस ए, 6, 7, 8 बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ये दो समुच्चयों का अंतर हो गया, इसे कहते हैं समुच्चयों का अंतर। अब देखो बेटा अगर इसको हम वेन डायग्राम से दिखाएं, जैसे ये है एक स्थिति यू हो गया, एक समुच्चय ए हो गया और ये समुच्चय बी हो गया, ये बी हो गया। अब ए माइनस बी अगर आप ज्ञात करेंगे, जो ये छायांकित भाग है यही ए माइनस बी में जितने अवयव होंगे ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अब यहां पर जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों समुच्चयों के वृत्तों का वो सर्वनिष्ठ को दिखाएंगे, तो ये नहीं होगा इसमें। और अगर ये हो जाएगा ऐसा विसंगी से डिसजॉइंट कहते हैं, ए अलग है बी अलग है, इसका मतलब कि ए के कोई भी अवयव जो है ए के वे अवयव जो बी में नहीं है तो कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं है, ए माइनस बी जो होगा तब क्या हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा, पूरा ए हो जाएगा,
इसको पूरा हम कर देंगे वो छायांकित, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू ए। तो इस तरह से ये है आपका अब आप इस पे जो प्रश्नावली है उसको लगाइए, जो नहीं आएगा फिर हम बात करेंगे। क्यों नया आया फिर पूछिएगा इसे।